मध्य प्रदेश में तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के प्रभार दिए जा सकते हैं। इसे लेकर सरकार स्तर पर प्रोसेस चल रही है। ऐसा होने पर कुल 220 तहसीलदार कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। उन्हें पिछले 7 साल से प्रमोशन का इंतजार है। वर्ष 1999 से 2008 के बीच के तहसीलदार इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। हालांकि कुछ तहसीलदारों की विभागीय जांच चल रही है, इस कारण वे डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकेंगे। इधर 500 से ज्यादा RI को नायाब तहसीलदार बनाए जाने की कवायद जारी है। सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेस की जा रही है। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ पिछले 1 साल से पुलिस विभाग की तर्ज पर तहसीलदारों को प्रमोशन देने की मांग उठा रहा है। इसे लेकर सीएम मंत्री से गुहार लगाई जा रही है। आखिरकार यह मांग पूरी होने वाली है? सरकार स्तर पर तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर की फाइल दौड़ रही है। तहसीलदारों का कहना है कि वर्ष 1999 से 2008 के बीच MPPSC के जरिए नायब तहसीलदारों की भर्ती की गई थी, लेकिन उन्हें अब तक प्रमोशन नहीं मिला। यदि नियम के अनुसार प्रमोशन होता तो 2 बार पदोन्नति हो जाती। अब तक वे ज्वाइंट कलेक्टर बन चुके होते, लेकिन पदोन्नति रुकने के कारण डिप्टी कलेक्टर भी नहीं बन सके। वर्तमान में 220 तहसीलदार हैं जो पदोन्नति का रास्ता देख रहे हैं। हालांकि इनमें से कई ऐसे हैं जिन पर विभागीय जांच लंबित है, इस कारण उन्हें प्रमोशन का इंतजार करना पड़ सकता है। इधर एक बार फिर RI को नायब तहसीलदार बनाने की प्रोसेस जारी है। इसे लेकर सरकार पिछले महीने अक्टूबर में ही प्रस्ताव बना चुकी है। क्राइटेरिया भी फिक्स किया जा चुका है। बता दें कि प्रदेश में अभी तक की स्थिति में नायब तहसीलदार के कुल 1242 पद मंजूर हैं। इनमें 502 पद रिक्त यानी खाली हैं। इस साल सेवानिवृत्ति के चलते 2 पद रिक्त होंगे। ऐसे में कुल 504 पोस्ट खाली हो जाएंगी। इससे पहले 5 बार राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार की शक्तियां दी जा चुकी हैं। सबसे पहले 12 मई 2016 को शक्तियां दी गई थीं। इसके बाद 6 जून 2016, 1 जुलाई 2016, 16 मार्च 2017 और जून 2017 को भी राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार बनाया गया था। मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के विरोध के बाद 10 फरवरी 2020 को प्रभारी नायब तहसीलदारों को फिर से उनके मूल पद पर भेज दिया गया था। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।